हेलो, वेलकम टू माय चैनल। दिसंबर का मंथ चल रहा है और आजकल यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, बट आज काफ़ी दिनों बाद अच्छी धूप निकली थी। वीकेंड को मैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए गई थी, तो मैंने वहाँ से ये बुके लिया था। ये वाइट एंड रेड कलर के फ्लावर्स हैं, आई थिंक इसका नाम डेजी है। इस पर कोई नाम तो नहीं लिखा था। अभी दोपहर में मेरे पास टाइम है तो मैं इनको अरेंज कर लेती हूँ। मेरे पास ये एक वेस है जिसमें ऑलरेडी फ्लावर्स थे, उसको मैं खाली करके उसमें पानी फिल कर दूंगी। पानी में रखने से ये फ्लावर्स काफ़ी दिन तक फ्रेश रहते हैं, एक से दो वीक तक भी चल जाते हैं। वैसे मैं फ्लावर्स को मुझे जितनी लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग कट कर लूंगी। मैंने इनकी लीव्स हटा दी हैं, उससे ये अच्छे नहीं लग रहे थे। रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। स्पेशली ये जो वाइट कलर के फ्लावर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट लग रहे हैं। बुके के साथ एक पैकेट है जिसमें फ्लावर फूड है, तो उसको अगर पानी में मिक्स कर देते हैं तो उससे फ्लावर्स लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। वो मैं ऐड करना भूल गई थी, तो मैं लास्ट में मिक्स कर दूंगी उसको। शाम होने में थोड़ा टाइम है, तो डिनर से पहले मैंने सोचा क्रिसमस ट्री बना लेती हूँ। मेरे पास जो भी चीज़ें हैं अवेलेबल, मैं उससे एक DIY क्रिसमस ट्री बनाने सोच रही हूँ। मैंने ये वेस्ट कार्डबोर्ड्स रखे हुए थे जो मेरे पास, मैं उनको यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। तो मैंने इन कार्डबोर्ड्स को एक डिफरेंट सर्कल्स में, डिफरेंट साइज ऑफ सर्कल्स में कट कर लिया है। मैंने थोड़ा बड़ा सर्कल बनाना था, तो इसके लिए एक ये जो रेड कलर का कार्डबोर्ड है, कार्ड पेपर है, वो यूज़ किया है। डिफरेंट साइज़ के सर्कल्स मैंने रेडी कर लिए हैं, एंड इसके साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ ये रोल्स, एंड ये कंटेनर है जो मैं एज़ ए बेस यूज़ करूँगी हमारे ट्री के पॉट के लिए। एक छोटा फ्लावर पॉट है जिसमें मैंने हॉट ग्लू गन से ये किचन टिश्यू रोल है उसको स्टिक कर दिया है, तो ये हमारे ट्री का बेस बनेगा। अब इस कंटेनर को भी मैं कवर कर दूंगी कलर पेपर से। मैंने ये ब्लैक कलर का पेपर यूज़ किया है। जो भी अवेलेबल है मैंने वही सामान यूज़ किया है इस ट्री के बनाने के लिए, एंड इसको मैं एक रिबन से कवर कर दूंगी थोड़ा और बेटर दिखने के लिए। इसमें पॉट में थोड़ा सा वेट ऐड करेंगे, ताकि अगर हम जब इस पे लेयर्स बनाएंगे तो वो वेट को बैलेंस कर सके। तो मैंने ये क्लियर मार्बल्स और पेबल्स यूज़ किए हैं। अब हमने जो डिफरेंट सर्कल्स बनाए थे, तो मैं उनको लेयर करना स्टार्ट करूँगी, एंड बीच में स्पेस बनाने के लिए मैंने जो रोल्स हैं वो यूज़ किए हैं।
बीच में ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, करते टाइम मुझे पता नहीं चला, बट बाद में देखा तो थोड़ा सा ये स्लैंट हो गया है, बट आई थिंक ये चल जाएगा। मैंने 5 to 6 लेयर्स बनाए हैं क्योंकि मुझे ट्री को थोड़ा सा बड़ा बनाना था। मेरे पास ये गार्लैंड है, ग्रीन कलर की शिमर गार्लैंड है, और ये रिबन्स हैं, तो इन सबको मैं यूज़ करूँगी हमारे ट्री को रैप करने के लिए। मेरे पास कुछ और कलर की भी ये जो स्ट्रिंग्स गार्लैंड्स हैं ये हैं, तो मैं इनको भी यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा उसको और कलर ऐड करने के लिए। अब मैं कुछ और क्रिसमस ऑर्नामेंट्स यूज़ कर रही हूँ एंड हम हमारे ट्री को रेडी कर लेंगे। अब ये टॉपर है मेरे पास स्टार वाला, तो मैं इसको ऐड कर दूंगी एंड मैंने थोड़े से लाइट्स यूज़ किए हैं, मैं उनको भी यूज़ कर लूँगी और इसके अराउंड रैप कर दूंगी। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बेटर रिजल्ट है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस सीज़न का मेरा DIY क्रिसमस ट्री रेडी हो गया है एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैरी क्रिसमस। बाय।